कल सुबह 7 o'clock हमारे को इन्फॉर्मेशन आया CBS एरिया में थोड़े लोग आर्म्स लेके ऐसा फिर रहा बोल के इन्फॉर्मेशन आया, तो हमारे साथ टास्क फोर्स वाले भी थे, साउथ जोन टास्क फोर्स वाले यादगिरी सब का टीम, हम जाके पूरा सस्पेक्ट आदमी को पकड़े तो तीन आदमी मिला। तीन आदमी में मेन जो है सलमान और हबीब और इरफान, तीन बच्चे का पोजीशन में ये तलवार आते, अभी जो आपको देखे तो तलवार देखे तो उन लोगों को हमारे SI किशन वो स्पॉट में उनको पकड़ने के बाद उनको चेक करे तो तलवार आते, तलवार कई को बोल के पूछे तो उन्होंने सलमान बोला, सलमान के एक फ्रेंड है शेख अली भाई बोले तो उन्होंने मोहम्मद मधुगौड़ गन फाउंडर एक्स कॉरपोरेटर है ना, उसके पास जो प्रॉपर्टीज़ का इश्यूज़ उन्होंने देखभाल करता, उसके पास उसके सलमान के साथ सलमान को उनको अली भाई से दोस्तान है, 3 साल से दोस्तान है। तो अली भाई क्या करता था, जो प्रॉपर्टी उसका मधु का प्रॉपर्टीज़ का देखभाल करने रहता ना, वो नींबू मार्केट के पास एक प्रॉपर्टी के जगह में थोड़ा डिस्प्यूट था वो मधुगौड़ को ओनर्स को, तो अली भाई क्या करता था, इन जो बच्चों को ओल्ड सिटी का जो बच्चों को प्रॉपर्टी के जगह पे उन्हें बिठाता था, खाना खिलाना अच्छा उनको देखभाल करे तो उन्होंने जरा उनका जो पावर बता सकते बोल के, तो उसी सिलसिले में आनंद गौड़ इन्हें सतारा बोल के उन्होंने अली भाई इनको सलमान को बोला कहते, बोलने के बाद 10-15 दिन पहले उनको बोला, अली भाई बोला सलमान को तुम दोस्तों को बुला लो, इनको थोड़ा डराना है, उनको मारना नहीं, ओनली डराना का बोल के हम ऑफर भी दिया, 2 लाख का ऑफर दिया, 5,000 भी दिया पहले उन्होंने अली भाई सलमान को। सलमान क्या कर उन्होंने दोस्तों ओल्ड सिटी में जो हबीब और इरफान जुबैर अन्नू भाई इन लोगों को गैदर करके बोलने के बाद 10-15 दिन पहले दो वक्त उन्होंने घर के वो अली भाई क्या करा यूट्यूब में उनको निशाना बताया, नज़दीक उन्होंने मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल के ऊपर आके उनका घर भी देख लिया, मगर उन्होंने जो इन्होंने रखी करा ना वो टाइम पे आनंद घर पे नहीं था, इसीलिए उन्होंने देख के रिटर्न आ गए। फिर कल सुबह वैसे ही देखने के लिए आया तो हमारे इन्फॉर्मेशन आया, उनको पकड़ने के बाद लाया, FIR इश्यू करा, आर्म्स एक्ट और कॉन्स्पिरेसी में उनको बुक करा, अली भाई जो मेन है उन्हें अपस्कर्डिंग है, अली भाई मिले तो उनका जो इंटरागेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट है अगर मधुगौड़ का नॉलेज में है नहीं बोल के भी मालूम कर सकते। कल मधुगढ़ की बुलाए मैं मधुगढ़ की बोले तो उन्होंने बोल रहा हमारा पोलिटिकली रहता मगर दुश्मनी पर्सनल दुश्मन क्या नहीं रहता सब, अगर अली भाई मिले तो मेरे सरेंडर करते बोल के मेरे प्रॉमिस कर गया, वही सिलसिले में वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट दैट अली भाई इज अपस्कॉन्डिंग, इन लोगों का भी कोर्ट को भिजा दे रहे। बैकग्राउंड है इन्होंने ऑलरेडी शास्त्रीपुर महिला देवपल्ली पे एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में वहाँ भी एक टेस्ट पास करा, वहाँ भी डराया ओनर्स को डराया, उसमें भी एक महिला देवपल्ली पे इसमें भी एक केस है इन लोगों के ऊपर, ऐसा पूरा अननेसेसरी प्रॉपर्टी के इश्यूज में इन्होंने जब सो ये बीटेक सलमान बोल के है, बीटेक फाइनल ईयर पढ़ा हुआ है इन्होंने बनलागुड़ा कॉलेज में, तो बाकी का रियल एस्टेट में काम करता है इरफान और हबीब क्या मैकेनिकल कुछ काम है, तो बाकी का और 3 आदमी मिलने हैं इंक्लूडिंग मेन एक्यूड अली भाई मिले तो इसका कॉन्स्पिरेसी पूरा हम अपने को मालूम होता। थैंक यू। ये अभी तक बनलागुड़ा केस एक महिला देवपल्ली में केस है, यहाँ एक केस है, अब फिर भी अब इंक्वायरी करने का है इसमें।